बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। अब जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि कंगना रनौत का जो मुंबई स्थित बांद्रा में जो बंगलो है जो साल 2020 में विवादों में रहा है, अब वो उस बंगलो को बेचने की तैयारी कर रही हैं। जी हाँ, बीएमसी ने अवैध निर्माण कहकर उनके बंगलों पर बुलडोजर चलवाया था। ये वही बंगलो है जहां पर कंगना रनौत की जो उनका प्रोडक्शन हाउस है मणिकर्णिका फिल्म्स, उसका भी सेटअप इसी बंगलो में है। अब ये तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कंगना रनौत जो बॉलीवुड की क्वीन कही जाती थी, अब वो क्वीन बॉलीवुड की नो मोर क्वीन हो चुकी है, क्योंकि अब कंगना रनौत पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर तेज़ी से एक्टिव हो चुकी हैं। और जब से पॉलिटिक्स में कंगना रनौत आई हैं तब से इनके साथ कुछ अजीबोगरीब ऐसी हरकतें हो रही हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि एक एक्ट्रेस के साथ जो इतनी फेमस सेलिब्रिटी है उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब वो घटना तो आपको अच्छे से याद होगा जो एयरपोर्ट पर हुआ था, जहाँ पर एक CISF जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था और ये वीडियो, ये घटना बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ऐसे में पॉलिटिक्स की तरफ जो कंगना रनौत का झुकाव है वो वाकई देखने लायक है। हालांकि अगर हम बैक टू खबर पर आए तो कंगना रनौत अपने उस बंगलों को 40 करोड़ में बेचने की बात कर रही हैं, क्योंकि अब कंगना रनौत को कोई बॉलीवुड मूवी नहीं करनी है। मणिकर्णिका फिल्म्स का जो प्रोडक्शन हाउस है, जो दफ्तर है, वो उसी बंगलों में है। अब उन्हें पॉलिटिक्स पर फोकस करना है, ऐसे में वो इस बंगलों को बेचने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। करीब 4 साल पहले सितंबर 2020 में कंगना रनौत और बीएमसी के बीच इस बंगले को लेकर खूब विवाद हुआ था। बीएमसी ने आरोप लगाया कि कंगना ने बंगले में अवैध निर्माण करवाया है और नोटिस थमाने के बाद पाली हिल में स्थित कंगना के इस दफ्तर के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलवा दिया था। मामले में 9 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद तोड़फोड़ का काम रोक दिया गया। कंगना रनौत ने कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था और मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन फिर मई 2023 में कंगना ने अपनी ये याचिका वापस ले ली। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस SJ कथावाला और जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने सुनवाई के दौरान ये माना कि बंगले के लगभग 40% हिस्से को ध्वस्त करने की नगर निगम की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित थी और ये अधिकारों की पूरी तरह से अवहेलना थी। इस वक्त भले ही कंगना रनौत का पूरे तरीके से जो ध्यान है वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन कुछ मूवीज़ की वो शूटिंग पहले ही कर चुकी हैं, जिनमें से एक है इमरजेंसी, जो 6 सितंबर 2024 को रिलीज़ होने वाली है। इस मूवी की रिलीज डेट लगातार पोस्टपोन होती जा रही है, लेकिन अब फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी 6 सितंबर को रिलीज़ होगी। कंगना रनौत के बारे में हम एक चीज़ आपसे और बताना चाहते हैं। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और अब जो वो पॉलिटिक्स में भी हैं वो भी अपने दम पर ही हैं। कंगना रनौत की 2 मूवी बहुत ज़्यादा ही हिट रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। एक का नाम था क्वीन और दूसरे का नाम था तनु वेड्स मनु। हालांकि 8 ऐसी भी फिल्म रही हैं जो फ्लॉप रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर कंगना रनौत को फैंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ऐसे में आप कंगना को बॉलीवुड की क्वीन के तौर पर देखना चाहते हैं या फिर भाजपा की सांसद के रूप में, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।